Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue Pluto the series next episode. तो सीन स्टार्ट होती है ओन की पॉइंट ऑफ व्यू से. मैं उसे सजेस्ट करती है कि अपनी क्लॉथ चेंज कर ले, कॉज उसे देखकर ऐसा लग रही थी कि वो एक पॉन से उठ कर आई है, एक वेट पप्पी. हाँ, वो मैं की बेडरूम पर थी जो बहुत ही लग्जरियस थी. वहाँ के जैस्मिन फ्लावर्स की स्मेल और मे की बॉडी की स्मेल उसे बहुत ज़्यादा रिलैक्स देती है. बट ओन एकदम स्टैचू तब हो जाती है जब मे अपने सारे क्लॉथ ओपन करके बस अपने प्राइवेट क्लॉथ पर उसके सामने आती है. व्हाट आर यू डूइंग, ओन रिएक्ट करती है. चेंजिंग, बट यहाँ पर, हाँ तो मेरी क्लोजेट तो यहीं पर है. या इट्स नॉर्मल, ये उसकी बेडरूम है, वो चेंज कर रही है, इट्स नॉर्मल. जो नॉर्मल नहीं है वो ये है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ. मैं बाहर तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ, तब तक तुम अपनी ये पर्सनल बिजनेस संभाल लेना. वेट, आप बाहर क्यों जाओगे और अब ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो कि आपने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा? कम ऑन, ये उतने भी प्राइवेट नहीं है, हमने पहले हमारे सारे बॉडी पार्ट्स देखी है. मे बी ये बहुत टाइम पहले होने की वजह से आप सब कुछ भूल चुके हो. अगर आप चाहो तो मैं आपको वो सारे मेमोरीज वापस कर सकती हूँ. मे की फेस पर एक स्माइल थी. उन जल्दी से टर्न बैक करती है, वो बहुत एक्साइटेड थी, उसकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट थी. उसने मे को इतनी क्लोज से पहले देखी थी उस होटल पर वहाँ पे वो हब नेक थी. इस तरह नहीं, मतलब राइट नाउ वो पूरी नेक थी. हाउ इट पॉसिबल, कैसे एक पर्सन अपनी सारी क्लॉथ ओपन करके पूरे नेक्ड होकर एक पर्सन के सामने आ जाती है. ओन कुछ मूवमेंट करे उससे पहले ही मे आकर पीछे से उसे हग करती है. उसकी हेड ओन की शोल्डर पे थी. ओन की पूरी बॉडी शेक कर रही थी, उसे रियलाइज हो रही थी कि खुद को कंट्रोल करना इस टाइम पे बहुत मुश्किल हो रही है. मे, व्हाट आर यू डूइंग, ओन कहती है. मे कहती है कि मैं हमारी सारे मेमोरीज वापस ला रही हूँ. कैसी मेमोरीज? हमारी वो सारे मेमोरीज जो आप भूल चुके हो. पर आप इतने शेक क्यों कर रहे हो, आर यू ओके ना? ओन कहती है, आई एम कोल्ड, ये एयर कंडीशन बहुत कूल है. फिर वो रियलाइज़ करती है मे की हाथ उसकी शर्ट पर थी. मे उसकी शर्ट को उसके हेड के ऊपर से उसे ओपन कर लेती है. मे कहती है, चलो तो फिर हम वार्म वाटर से शावर लेते हैं. फिर ओन अपने शोल्डर पर मे की लिप्स को महसूस करते हैं. वो प्रिटी वुमन धीरे धीरे अपने लिप्स को उसके शोल्डर पर रब कर रही थी. सडनली वो रियलाइज़ करती है पीछे उसकी प्राइवेट क्लॉथ की टाइटनेस एकदम लूज हो चुकी है. मे ने उसकी प्राइवेट क्लॉथ को अनहुक किए थे उसकी माउथ से. ओन अब लिप को टाइटली बाइट करती है, वो अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है. ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ ओन कभी नहीं थी. पर उसके बाद मे अपने हाथ मूवमेंट करती है और नीचे ओन की पैंट पर जाती है और उसे अनहुक करने लगती है. जल्दी से ओन उसके दोनों हाथ ग्रैब करती है. हम इट्स ओके, मैं खुद से कर लूँगी, तुम बाथरूम जाओ. आप बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो, सब कुछ ठीक है ना? मे की ये क्यूरियोसिटी ओन को थोड़ी डरा देती है. वो जल्दी से थोड़ी पीछे आती है. अगर तुम चाहते हो तो मैं इसे ओपन कर लूँगी, मे कहती है. अच्छा तो आप स्टिल खड़े क्यों हो? मैं सेंस कर पा रही हूँ कि आप अपने क्लॉथ्स ओपन नहीं कर रहे हो. मे जो कि अभी उसके सामने एकदम नेक थी, वो अपने दोनों हाथ को ग्रैब करते हुए बहुत सीरियस लग रहे थे. टेक इट ऑफ, ओन कहती है. वेट, तुम मुझे ऐसे फोर्स क्यों कर रहे हो? मे कहती है. क्या आपकी कोई सिस्टर है?
वट वाई, तुम मुझे ऐसे पूछ क्यों रहे हो? नहीं, समटाइम्स आई फील कि आप ओम नहीं हो, एक ऐसे पर्सन जिसकी पर्सनैलिटी और वॉइस एकदम सेम है। और ये लाइन सुनकर ओम जल्दी से जल्दी अपनी सारी क्लॉथ ओपन कर लेती है और एकदम नेक्ट हो जाती है उस पर्सन के सामने जो उसकी है ही नहीं, वो पर्सन जो अगेन ये साबित कर दिया कि वो ब्लाइंड नहीं है। ओन अपने हाथ उसके सामने धीरे धीरे मूव करती है ये चेक करने के लिए क्या सच में वो ब्लाइंड है। मी उसके हाथ को होल्ड कर लेती है। आप चेक कर रहे हो कि मैं सच में ब्लाइंड हूँ कि नहीं? मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, ब्लाइंड होने के बाद हियरिंग और स्मेलिंग ये और भी ज़्यादा शार्प हो जाती है। फिर मी अपने हाथ ओन की नेक्ड बॉडी पर रखती है। सो फाइनली आप नेक्ड हो, चलो हम शावर लेते हैं। ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर रुकेंगे तो ठंड लग सकती है, बट टब पर बैठे आप अपनी नोबल को मेरे साथ शेयर कर सकते हो। सो बट इन द टब, ओन बहुत ज़्यादा ब्लशिंग कर रही थी। उसे अपने फेस पर बहुत ज़्यादा हॉटनेस महसूस होती है। फर्स्ट टाइम दोनों नेक थी एंड एक साथ बट टब पर शावर। ये 20 स्क्वायर मीटर की बाथरूम बहुत एक्सपेंसिव थी, बहुत लग्जरियस भी, ये माननी होगी शी इज़ रियली रिच। मैं थोड़ी डर रही थी कि आगे क्या करनी चाहिए। मेकी किसेस दैट्स ओके, बट वो सारे टच मैं बहुत स्केर्ड हूँ। मे कहती है इट्स ट्रू, मुझे स्लो जाना बिल्कुल पसंद नहीं और अपनी टाइम वेस्ट करना तो बिल्कुल भी नहीं। फिर वो उनकी वेस्ट को ग्रैब करते हैं और उसे पुल करते हुए रेन शावर एरिया के पास ले आते हैं, जिसकी साइज थी एक सुपरमैन्स फोन बूथ की तरह। ओन कहते हैं वेल तुम फर्स्ट जाओ, मैं वेट करती हूँ। मैं कहती है हम एक साथ शावर लेंगे। हाँ, आप ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो कि ये फर्स्ट टाइम हो रही है? ओन कहते हैं ये थोड़ी छोटी है, तुम पहले जाओ, मैं वेट करती हूँ। मैं कहते हैं आप चेंज हो गए हो। ओके फाइन, मैं तुम्हारे साथ शावर लूँगी। ओन कहते हैं, उसके फेस पर एक स्माइल थी बट ये ज़्यादा टाइम तक नहीं होती है कॉज वो नर्वस भी है। मे की ये वर्ड कि आप चेंज हो गए हो, ये वर्ड बार बार उसे गिल्टी फील दे रही है। चलो आप मेरी बैग पर रब करो, मे कहती है और ओन के हाथ में एक बद स्पॉन्ज देती है। ये शावर एरिया थोड़ी छोटी है बट उतनी भी छोटी नहीं कि वो दोनों मूवमेंट भी नहीं कर सकती। मैं कहती है ओके चलो अब आप मुझे बताओ अपने नोबल के बारे में। ओह शिट, मैं तो भूल ही गई थी, बट इट्स टू डिफ़िकल्ट। उसकी बैग को रब करना और साथ में मेरे नोबल को एक्सप्लेन करना ये मेरे लिए बहुत टफ चीज़ है। ओके मैं धीरे धीरे ट्राई करती हूँ। तो चैप्टर 3 इम्प्रेस्ड, मैं कहती है कि क्या ये चैप्टर की नेम है? ओन यस कहती है। ओके सो टेल मी व्हाट्स इम्प्रेसिव, मैं आस्क करती है। वेल तो ओन ने जो स्टोरी लिखी थी उसकी दो लीड कैरेक्टर के नेम है मरीसा एंड नबडाओ। स्टोरी उसने क्या बोला ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस लास्ट की सीन जो थी कि उन दोनों को एक पंडोरा बॉक्स मिलती है बट वो दोनों वो बॉक्स ओपन नहीं करती है कॉज उन्हें नहीं पता उस बॉक्स के अंदर क्या है। यहाँ मे कहती है तो उन दोनों ने वो बॉक्स ओपन की? ओन एक स्माइल करती है। तो मे की स्टोरी पर इंटरेस्ट आ रही है, उसने कहा कि नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट करो, अभी अगर वो सब कुछ बता देगी तो उतनी फन नहीं होगी। मे कहती है क्या वो दोनों एक दूसरे की प्यार में पड़ी? क्या पता स्टोरी रीड करते हुए हम ऑथर की प्यार में पड़ जाए। ओन कहती है बट हम तो एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। मी कहती है हैव वी एवर फॉल इन लव विद ईच अदर? ओन कहती है अगर हम दोनों एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़े तो इतने दिनों से एक साथ क्यों है? मी कहती है ऐसी बात नहीं है,
समटाइम्स हम एक दूसरे की पैर में पड़ते हैं कुछ म्यूचुअल बेनिफिट्स की वजह से। तो क्या होगी अगर हम दोनों भी कोई म्यूचुअल बेनिफिट्स की वजह से हैं, अगर ये लव नहीं है तो? ओन ये बात सुनकर थोड़ी सरप्राइज्ड होती है। नो, उन दोनों के बीच तो कोई बेनिफिट्स वाली रिलेशनशिप नहीं है, वो तो बस मे को देखने के लिए आई थी, और वो ब्लाइंड गर्ल वो भी ओन से कुछ नहीं मांगा। दैट्स मीन वो दोनों ही यहाँ कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती है। ओन कहते हैं नो, हम दोनों के बीच कोई भी म्यूचुअल बेनिफिट्स नहीं है। वो बस चुपचाप मे की बैक को रब कर रही थी, कॉज उसे पता नहीं कि इसके आगे क्या करनी चाहिए। अगर वो यहाँ से थोड़ी भी मूवमेंट कर सकती तो वो मे के सामने जाकर उसे हक करती। ओन कहती है तुम मेरे साथ क्यों हो, आई रियली डोंट नो, बट मैं तुम्हारे साथ इसीलिए हूँ कॉज मैं तुम्हारी बहुत केयर करती हूँ। इस वर्ड के बाद वो वॉशरूम एकदम साइलेंट हो जाती है। जो साउंड थी वो बस उस रेनी शावर की। फिर मैं धीरे धीरे उसकी ओर घूमती है और उसे ग्लास वॉल पर प्रेस करती है। फॉर यू जस्ट से इस वेरी सेक्सी, मैं कहती है ओन शी वॉज जस्ट बबलिंग। वो अपने नेक पर थोड़ी नर्वसनेस महसूस करती है। उसकी आंखें बस मे को देख रही थी। वो खुद से सोचती है मैं उतनी भी स्टूपिड नहीं हूँ, इस टाइम पे मे ने जो कुछ भी कहा उसका क्या मतलब है, पर मैं खुद को और ज़्यादा टाइम देना चाहती हूँ कॉज ये बहुत फर्स्ट हो रही है। जस्ट बथिंग टुगेदर नेक ठोकर लाइक दैट, ये मेरे लिए ऑलरेडी बहुत कुछ है। मे कहती है हम दोनों ने बहुत टाइम से कुछ भी नहीं किया है। ये कहते ही वो ओन की हाथ उसके चेस्ट पर रखती है। उसके फेस पर एक स्माइल थी, एक ऐसी स्माइल जो बहुत चार्मिंग थी, और ओन भी उसे रोक नहीं पाती है। फिर मे उसके हाथ को उसके चेस्ट से होकर उसकी प्राइवेट पार्ट पर रखती है और कहते हैं चलो पेंडोरा बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं आज वहाँ पर क्या है। ऑल शायद तो यहाँ पे प्लूटो द सीरीज की ये एपिसोड एंड होती है। सी यू सून इन नेक्स्ट एपिसोड। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।